आप बोलोगे मैम अभी सोलर एक्लिप्स गया, उसके बाद अब ये लूनर एक्लिप्स गया, अब 11/11 पोर्टल आ रहा है, तो हम शांति से कब बैठेंगे? मतलब हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। मतलब आप एक रिचुअल खत्म होता नहीं दूसरा बता देती हो, दूसरा खत्म होता नहीं तीसरा बता देती हो, ये कब खत्म होने वाली है ये सारी चीजें, और ये कब मैनिफेस्ट होएंगी सब चीजें? आज इन्हीं सब बातों का हम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। ऐसा क्या है कि हम 11/11 की इतनी वेट करते हैं, और मतलब इतने बड़े बड़े कसीदे कसे जाते हैं इस तारीख के लिए, और ऐसा क्यों है कि कितनी सारी चीजें होने लग जाती हैं जब हमारे नवरात्रि शुरू होते हैं, और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिन, फिर उसके बाद दशहरा, दशहरे के बाद दीपावली, दीपावली के बाद यस ऑफ कोर्स एकदम से दो ग्रहण आ गए साथ के साथ में, लेकिन हाँ फिर 11/11 पोर्टल, और फिर नया साल, नए साल की नई मैनिफेस्टेशंस, नई सोच, नई कहते हैं ना, एटलीस्ट एक महीने तक तो हम सारे बड़े जद्दोजहद के साथ अपना नया नया चीजों को मैनिफेस्ट करते और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ ये चीज मैंने प्लान करी है, नए साल में तो ये होने वाला है पक्का, और मैं ये करके रहूंगा। तो अब हम बात करेंगे 11/11 पोर्टल की। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पोर्टल में होता क्या है। बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे में। नंबर 1, ऐसे में क्या होता है 11/11 पोर्टल में, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये पोर्टल, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं यूनिवर्सली, ऐसे से क्या हो रहा होता है, ऐसा मतलब हमें क्या करना चाहिए। ऑल्सो लास्ट तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगी पिछले साल 11/11 पोर्टल जब था, दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे की बात है, नेक्स्ट डे या एक आई थिंक 9th की दिवाली थी, तो 11th का ये था, और जो जो मैंने उस टाइम पे चीजें करी, जो लिखी, और जो मैंने डायरीज बनाई, और जो मैंने इंटेंशन सेट करी, और जो चेंजेस किए मेरी लाइफ में, उसका क्या फर्क पड़ा, या मुझे उसका क्या सिला मिला, और मुझे क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मैं वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई वांट टू शेयर इट दैट यस यूनिवर्स वर्क्स, एंड यूनिवर्स डेफिनेटली वर्क्स इफ यू वर्क, इफ वी वर्क, इफ वी ऑल टुगेदर वर्क। सो शुरू करें। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा कहते हैं हमें 11/11 बहुत दिखता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हम 85 जगह ढूंढ लेते हैं 11/11, 11/11 मतलब क्या है। तो सिंपल स्पष्ट भाषा में बताऊंगी 11/11 क्या है। 11/11 एक मास्टर नंबर है, हम सब जानते हैं 11 एक मास्टर नंबर है। 11 जो नंबर है वो हायर रेलेवेंस का नंबर है, तीसरी चीज़ वो हायर डिविनिटी का नंबर है, राइट, एंड चौथा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। जब हम 11/11 की बात करते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमारी लाइफ में होने वाला होता है, और जिसके हमें सिंबल्स दिखने लग जाते हैं। सबको तो 11/11 नहीं नज़र में आता, सबके साथ ये बातें भी नहीं होती, और जिसको नहीं दिखता वो कहता है बकवास ढकोसले। मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करती थी, इनफैक्ट जब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी मैं ये कई बार तो परेशानी में और गुस्से में कह रही थी यूनिवर्स की तरफ ऐसे देखकर कि मुझे क्यों दिखा रहे हो 11/11, जब चीज़ें ठीक हो ही नहीं रही हैं तो क्यों मुझे बताना चाह रहे हो। नेवर नोइंग द फैक्ट दैट दैट वॉज अ साइन स्टेटिंग दैट स्टे पुट, स्टे कंसिस्टेंस, कंटिन्यू डूइंग वॉट एफर्ट्स यू आर डूइंग, चुपचाप काम करते रहो, बाकी चीज़ें हम पर छोड़ दो। वही वाली बात है, हम कई बार, बहुत बार, अक्सर हम चीज़ें उन पर नहीं छोड़ते, उस ऊपर वाले पर नहीं छोड़ते। तो 11/11 ये सिंबल है। तो जब भी हम 11 की बात करते हैं, 2 11 आते हैं इसमें, 11 11 एक 11 नंबर आता है जो हम फिजिकल रियलिटी में, जो हम इस अर्थ पे फील कर रहे हैं, इसका कनेक्शन होता है उस 11 से, जो कि स्पिरिचुअल रेलम है, जो कि ऊपर वाली हाइट है, जो कि एक स्पिरिचुअल पार्ट है। तो हम इससे जब कनेक्ट हो रहे हैं इन दोनों से, तो दैट इज 11/11। अब आती हूँ सेकेंड बात पे कि होता क्या है। 11 नवंबर को वर्ल्ड ओवर सबको पता है ये एक रेलम है जो खुलता है, एक पोर्टल है, एक गेट है, आप इसको समझ लीजिए एक दरवाजा खुला। हमारा शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, कहते नहीं है साया आ गया, अब सीज़न शुरू हुआ, अब पूरे टाइम शादियाँ होंगी। कब तक शादियाँ होंगी? इस मंथ तक होंगी, उसके बाद ये नहीं होंगी। अब क्योंकि एनर्जीज बहुत एम्पलीफाई हो रही हैं, तो आपके बहुत सारे इल्यूजन्स हटते हैं। जैसे कहते हैं ना, तेज़ धूप होती है तो हमें साफ साफ दिखाई भी देने लग जाता है। एकदम से जब बारिश होके चुकती है तो हमें बहुत पत्ते हर चारों तरफ, बहुत ग्रीनरी, और बहुत अच्छे से, मतलब वी फील एंड वी नॉट ओनली वी सी बट वी लुक एंड वी फील ऑल्सो एनर्जाइज। सो सिमिलरली ऐसे टाइम में इल्यूजन्स हमें लाइफ की जो है उनसे हम वी डू अवे विद दोज इल्यूजन्स। हमें बड़ी पिक्चर समझ में आने लगती है, वो जो छोटे छोटे किस्से जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, हम उस वाली एनर्जी से जो हम एक पूरी पिक्चर में एक बिंदु देख रहे होते हैं गलती निकालने वाला, उस पिक्चर से हम बड़ी पिक्चर पे आते हैं, हम समझने लगते हैं ये चीजें इस वजह से हो रही हैं। वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और दूसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी चीज आप मिरर करोगे, जैसी भी एनर्जी लेवल में होगी, आप समझो अगर ऐसे टाइम में आपकी एनर्जी बिल्कुल
डिप्ड है, नेगेटिव है, तो वो एनहैंस होके मैनिफेस्ट होके उसी तरह से एनहैंसमेंट में बढ़ेगी. तो इसी तरह से आप वो चीजें मिरर करोगे जैसा कि आप उस टाइम सोच रहे हो. तो इफ योर एनर्जीज आर गुड, इफ योर एनर्जीज आर पॉजिटिव, एंड इफ यू आर मैनिफेस्टिंग पॉजिटिवली प्रॉपरली, यू विल बी एनर्जाइजिंग दोज ओनली, दोज सेम थिंग्स विल बी मिररिंग एंड दोज थिंग्स विल बी एनर्जाइज. और ऐसे टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने हार्ट चक्र पे काम करना, जिसके लिए मैं हमेशा सबको बोलूंगी हमें लेट गो करना आना चाहिए. हार्ट चक्र क्या है? आपने एक बच्चे को देखा है, अगर बच्चा किसी से गुस्सा भी होगा 5 मिनट के अंदर वो बच्चा उसके साथ उसकी बन जाएगी, बहुत अच्छे से हैप्पी हो जाएगा, और जो कुट्टी हुई होती है 5 मिनट के बाद अब्बा हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और वापस से नॉर्मल हो जाते हैं. ये हम जब बड़े हो जाते हैं ना, ये तभी प्रॉब्लम आती है कि वो कुट्टी और अब्बा वाला जो संस्था है ना, वो स्कूल के बे में भी और स्कूल में भी आई थिंक नर्सरी केजी 1-2 तक ही रह जाता है. उसके बाद तो हम अचानक से इतना ग्रो कर जाते हैं कि हमारी ईगोज बोलने लग जाती हैं. तो ये टाइम है सबसे ज़्यादा जब आप अपने हार्ट चक्र पे काम कर सकते हो. आप अपनी उन चीज़ों पे जो आप फुलफिल करना चाहते हो, उस सोच पे, उसको पॉजिटिव सोचते हुए उन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो. नाउ आई मूव टू व्हाट हैपन, व्हाट चेंजेस हैपन इन द यूनिवर्स. एक तो आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो इस टाइम में, यानी 11 नवंबर के बाद पूरे नवंबर के मंथ तक रहेगा. ऐसा नहीं है कि 11 नवंबर आज जो कर लिया 11 हो गया उसके बाद कुछ नहीं. तो कुछ चीज़ें जैसे हम न्यू ईयर पे इंटेंशन सेट करते हैं, ऐसे ही हम 11th नवंबर से पूरे नवंबर के मंथ तक कभी भी कैसे भी हम ये सारे रिचुअल्स कर सकते हैं जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. रिचुअल्स तक आऊँगी उससे पहले कि हो क्या रहा है. आप अवेयर हो रहे हो स्पिरिचुअली इस टाइम पे, सारे आर्क एंजल्स जो हैं वो स्टार्ट शोइंग अप. जैसे हमारे कहते हैं ना, एक साया शुरू होता है तो सब देवी देवता गण आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए. तो ऐसे ही आर्केंजल्स जितने भी हैं दे स्टार्ट शोइंग अप. थर्ड, आप फील करने लगते हो उन एनर्जीज को. हालांकि हमने इस बार तो पहले से फील करनी शुरू की क्योंकि दो दो एक्लिप्स आ गए, तो वो बहुत सारी एनर्जीज फील होने लगी, अच्छी बुरी खराब हर तरह की अनकंफर्टेबलनेस. बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में से लेट गो होनी थी, बहुत सारी कार्मिक थी, बहुत सारी चीज़ें हमें राहु गवर्न थी, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में से, कुछ कुछ चीज़ें निकली, कुछ कुछ चीज़ों के रास्ते खुले, कुछ नई चीज़ें शुरू हुई, कुछ नया काम शुरू हुआ. उसके अलावा आप डिवाइन, ऐसे टाइम में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन जो है वो यूनाइटेड रहते हैं. सो वो एनर्जीज कनेक्ट होती हैं. डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का मतलब ये नहीं है कि मेल एंड अ फीमेल, इट कैन बी इवन फीमेल्स कैन बी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, वो दैट मैस्कुलिन एनर्जी रखते हैं. दैट्स अ मतलब ये टॉपिक एक बहुत बड़ा डिस्कशन वाला टॉपिक है, इसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगी. सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ऐसे टाइम में ये एनर्जीज कनेक्ट होती हैं टुगेदर. अब ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि 11 तारीख को किसी भी टाइम, ये जरूरी नहीं 11 बजे, मतलब 11th नवंबर को से लेकर 30th नवंबर तक किसी भी दिन आप किसी भी टाइम आप एक जर्नल लेके बैठेंगे सवेरे के टाइम में, खाली जब दिमाग आपका खाली होगा. और ये करनी एक्टिविटी सुबह के टाइम है, क्योंकि बाद में दिन भर में आप अपनी एनर्जीज को डिप्लीट करोगे. आपने जो मन में आ रहा है ना लिखते जाना है. क्या लिखना है? सबसे पहले ऊपर तो आपने थैंक यू लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ओपनिंग दिस पोर्टल फॉर अस. उसके बाद जो आपको स्क्रिबल करना है, जो मन में आ रहा है, जो आप विश करते हो, जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या हो, एक बंगला हो, अच्छा सा फार्म हाउस हो आपकी लाइफ में, और जो भी मतलब जो कुछ भी, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई से भी अरमान, फिजिकल रियलिटी के हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, ट्रैवल के गोल्स हो, जो आपने मन में सोचा है ना, जो भी आता जा रहा है वो लिखते चले जाइए. उसके बाद सेकेंड स्टेप करोगे, आप उसको पढ़ोगे, जो भी लिखा है शांति से उसको पढ़ोगे, और एक हाइलाइटर पेन से उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे भी आप चीजें लिख रहे हो उनकी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करोगे. हाईलाइट करने के बाद जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट करे हैं उनमें से कोई से तीन, अगर सपोज आपने 12 हाईलाइट किए हैं, तो उन 12 में से आपको लगेगा मुझे 12 चीजें अगले साल तक करनी है. उन 12 में से आप इन ऑर्डर ऑफ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आप सबसे पहले कहोगे कि ये तो जरूरी जरूर चाहिए, तो नंबर 1 पे वो, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे हम उन तीनों को पॉइंट्स को लिख लेंगे कि हाईलाइट जो किया उनको तीनों को हमने एक अलग जगह पेपर पे लिख लेना है. और लिखने के बाद आप उस पेपर को हाथ में होल्ड करोगे, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हार्ट के पास होल्ड करोगे, और होल्ड करके आप क्या बोलोगे, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप उसको फील करोगे उसको, उस रियलिटी में विजुअलाइज करोगे. सपोज तीन में से सबसे पहला, सपोज जैसे मैं आपको कहने वाली थी कि मैंने क्या किया, उसमें मेरा एक ये गोल था कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ईयर में मेरा सिल्वर बटन आए, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और मैं बहुत सारे लोगों तक अपना स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ की बहुत सारी लेसन दे पाऊँ, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बेटर हो पाएं. ये मेरा नंबर 1 पे गोल था.
तो मैंने जहाँ लिखा हुआ था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स एंड अ सिल्वर बटन, तो वो वाली जो फीलिंग थी, तीन और चीज़ें भी थी, वो फीलिंग थी उसको मैंने अपने दिल से लगा के सोच के, एंड आई इमेजिन एंड आई विजुलाइज दैट आई एम गेटिंग इट एंड अ फ्रेम ऑफ यूट्यूब इज कमिंग एंड आई एम ओपनिंग द बॉक्स एंड देन आई सॉ सम वीडियोज ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम कि अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं उस टाइम में, क्या उनकी इमोशंस होती हैं, क्या वो फील करें. तो मैंने वो सब फीलिंग अपने अंदर डालने की कोशिश करी. उस 5 मिनट के लिए मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, वो 3 वर्ड से रिलेटेड. उसके बाद मैंने चौथा स्टेप जो था, मैंने एक पेपर लिया, ये डायरी ली, और मैंने उस डायरी में अपने इंटेंशन सेट करी. मैंने क्लियर अपने विजन्स लिखे कि मेरे ये विजन्स हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर जो मेरे को फुलफिल करने हैं, और यूनिवर्स ये मैंने आपको बता दिया, ये मुझे चाहिए और मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ये चाहिए. फॉर श्योर मैं कोशिश करूंगी मेरे नेगेटिव थॉट्स कम से कम आए ऐसे में, लेकिन आपके ऊपर छोड़ दिया तो अब आप करोगे. तो वो मैंने वो इंटेंशंस लिखे, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए. यहाँ पे मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, और अब आप अपना खुद का फ्रेम खुद से सेंटेंस करेंगे. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, आई विल नॉट वाली भाषा यूज नहीं होगी, आप किसी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कभी फुलफिल नहीं होने वाली, अगर आप लिखेंगे तब भी नहीं होगी. आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक भी नेगेटिव वर्ड, या विल नॉट हैपन, या आई विल नॉट स्मोक, दिस इज वन एग्जाम्पल, आई विल स्टॉप स्मोकिंग. नाउ दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट? सो वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग लाइक, तो उसके बदले में हम लिख सकते हैं कि I can find myself happily enjoying good health. अब हम आते हैं, मैं आपको 5 sentences दूंगी, वो 5 sentences आपके यहाँ flash हो रहे हैं, आप stop करके screenshot ले लीजिएगा. वो screenshot लेने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप इससे मिलता जुलता कुछ लिख पाएंगे अगर आपको वो statements लिखनी है तो, और उनको statements को आपने इसके बाद क्या करना है. मैं statements इसके बाद आती हूँ, आपको statements का करना क्या है, आपने उन statements को पढ़ना है, उन स्टेटमेंट को हर रात सोने से पहले आपने पढ़ना है, और उनमें से जो भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 1 है 2 है 3 है, जो 3 स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं उनको एक पेपर पे ब्यूटिफुली से लिखिए, अच्छे से कलर्ड पेन से लिखिए. लिखने के बाद आप उसको फ्रेम करिए, फ्रेम करके ऐसी जगह लगा दीजिए जहां आते जाते आपकी नज़र पड़े, आप रोज़ सवेरे भी पढ़ें, रोज़ रात को भी पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ अब थिंग्स आर फाइन, आई कैन डू वॉट एवर आई विश टू. तो सोते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा, सवेरे उठ के जब पढ़ेंगे अगेन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर करेगा, और वो एक क्लियर सिंबल होगा आप यूनिवर्स को कि आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते देखना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट 1111 portal and the importance of it and why we need to manifest couple of things. Now I am quickly sharing the screenshots, the statements which you can or you may or may not, you can make your own statements just to help you out. In case of relationship, you can write, my intention moving forward is to open my heart to loved ones and to experience beautiful memories which I create with them. Aap unka naam dena chaho to naam bhi de sakte ho. For health, you can write, my intention moving forward is to give permission to play, feel young, full of energy and happy and healthy. अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से, अवेकनिंग से रिलेटेड है तो मैंने आपको पहले ही दे दिया. बिजनेस से रिलेटेड, मनी फिनेंस से रिलेटेड है, यू कैन राइट, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज टू सेट अप अनदर कंपनी एंड टू सी दैट द सेल्स आर हाई एंड ऑल्सो टू सी ऑल द इम्प्लॉयज एंड द पीपल आर हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ माई कंपनी. ये था सारा 1111 पोर्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग योर टाइम अहेड फॉर द एंटायर 2023. भगवान आपकी ख्वाहिशें पूरी करें, आपको एक अच्छा इंसान बनाए अंदर से और बाहर दोनों तरह से. आप एक कहते ना रोशनी की तरह रेडिएंट हो, और सारी दुनिया में जितनी जगह हो सके हेल्प कर सकते हो उनकी सबकी हेल्प करो, क्योंकि हमारा काम जब हम धरती पे आते हैं हमारा काम यही होता है कि हम लोगों की हेल्प करें. हम फिक्स हो जाते हैं सिर्फ अपनी खुद के बारे में सोचने में. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू. और अब अगेन थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू.